गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है लॉट ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट डू दीज. ठीक है, हमने ये सब स्टडी किया है. देन द सेफ्टी ऑन रोड एंड सेफ्टी ऑन एस्केलेटर. टुडे ओनली वी हैव स्टडीड. सो लेट्स डू सम फन एक्टिविटीज बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स. सो इन दिस वॉट वी हैव टू डू इज दैट टेक द एक्टिविटीज दैट आर सेफ. अब यहाँ पे देर आर सम पिक्चर्स. सो इन द पिक्चर द स्टूडेंट और द चाइल्ड इज डूइंग सम काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, तो आपको बताना है कि वो सेफ है या नहीं है. सो इन द फर्स्ट पार्ट इफ यू सी देर इज अ बॉय हु इज ईटिंग बनाना एंड ही इज थ्रोइंग द बनाना पील्स ऑन द ग्राउंड. वो क्या कर रहा है, बनाना का जो छिलका होता है उसे क्या कर रहा है, उसे ग्राउंड पे थ्रो कर रहा है. सो विल यू डू सच एक्टिविटी, इज दिस सेफ? नो, इट इज नॉट सेफ, बिकॉज अगर यहाँ से कोई और वॉकिंग कर रहे आ रहा है तो वॉट विल हैपन, दैट पर्सन विल स्लिप बिकॉज ऑफ दिस पील एंड ही और शी विल हर्ट हिमसेल्फ, राइट? सो दिस इज नॉट अ सेफ्टी थिंग. तो आपने भी कभी भी, जब भी आप बनाना खाते हो रोड पे, तो यू शुड नेवर थ्रो द पील ऑन द रोड, बट येस यू कैन यूज अ डस्टबिन. सो दिस इज नॉट सेफ. देन इन दिस पिक्चर इफ यू सी देर इज अ गर्ल हु इज राइडिंग अ बाइसिकल and she is properly wearing a helmet, right? She is wearing what? She is wearing a helmet. So this is safe because even if this girl falls, she will not hurt herself because usne kya kiya hai, usne protection ke liye she is wearing a helmet. So this is a safe thing. So we are going to do a tick over here. Now if you see in these pictures, in this picture what is happening, there is a boy and there are two boys who are playing. What they are playing? They are playing क्रिकेट, राइट? बट दे आर प्लेइंग ऑन द रोड. वो कहाँ पे खेल रहे हैं? वो रोड पे खेल रहे हैं. एंड इफ़ यू सी देर इज बस, देर इज वैन, ओके, विच इज गोइंग ऑन द रोड. सो दिस इज अ वॉकिंग रोड, मीन्स जहाँ पे बस वगैरह, यू नो, व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं. एंड दीज स्टूडेंट्स दे आर प्लेइंग ऑन द रोड इटसेल्फ. सो दिस इज नॉट सेफ्टी थिंग. तो आपको कभी भी खेलना है तो आप रोड पे खेलोगे क्या? नो, यू विल नॉट प्ले ऑन द रोड, बट यू कैन प्ले ऑन अ ग्राउंड जहाँ पे व्हीकल्स नहीं आते हैं. सो दिस इज नॉट सेफ. Then in this, if you see, this girl is trying to play with the matchstick. So this is again not safe. So you are going to put a cross. Then if you see this girl, what she is doing, she is crossing the road on the using the zebra crossing line, right? So this is what, this is safe thing. So yes, you can put a tick over here. Now if you see over here, this boy, what he is doing, he is bending himself downwards. From what? From the balcony. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लड़का ने और बेंड किया तो गर्ल, दिस बॉय विल फॉल एंड ही विल हर्ट हिमसेल्फ. सो दिस इज नॉट सेफ थिंग. सो इवन यू शुड नॉट डू सच थिंग्स इन द बालकनी, ओके? आपको अगर स्टैंड करना है तो आप ठीक से स्टैंड करोगे, बट अगर आप ऐसे बेंड करोगे तो आप भी गिर सकते हो. तो दिस इज नॉट सेफ. सो यू विल पुट अ क्रॉस ओवर हियर. देन इफ यू सी दिस बॉय, ही इज वॉकिंग ऑन अ फुट पाथ. वॉट इज अ फुट पाथ? अ फुट पाथ इज दैट पार्ट जहाँ पे व्हीकल्स नहीं चलते हैं. ठीक है, व्हीकल्स कहाँ पे होते हैं? रोड पे होते हैं. और जो रोड के साइड में जो जगह होती है उसे आप बोलते हो फुटपाथ, वेयर पीपल कैन वॉक. सो येस, दिस इज सेफ. सो यू विल पुट अ टिक ओवर हियर. नाउ इफ यू सी इन दिस पिक्चर, देर इज अ बॉय हु इज ट्राइंग टू टेक अ बॉल, बट सी हाउ ही इज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सोफा. सो इन दिस वॉट विल हैपन, द बॉय कैन फॉल एंड हर्ट हिमसेल्फ. सो अगेन दिस इज नॉट सेफ थिंग. सो यू विल पुट अ क्रॉस ओवर हियर. देन इन दिस इफ यू सी देर इज अ गर्ल हु हैज ईटन बनाना, बट she is throwing the peel properly in the dustbin. So this is good thing. So it is a safe thing. Okay. So I want you to do the exercise on page number 41 and send the pic of this fun time to me. Okay. Thank you.